नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको चार आइटम दिखाता हूँ। तीन तो ये मशीनें देखिए, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपको मटेरियल के लिए बहुत ही हेल्प करने वाली मशीनें हैं, और इनके मैन्युफैक्चरर से भी मिलाता हूँ, होलसेलर भी हैं। आप अगर आप एजेंसी कुछ लेना चाहें तो भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखिए, जो फर्म का नाम है श्री के विश्वकर्मा इंजीनियरिंग, और ये स्क्रीन पर आपको नंबर भी शो कर रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई काम है तो आप ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, और ऑल इंडिया इनकी डिलीवरी रहेगी। और मिलाता हूँ सूरज जी। नमस्ते सूरज जी। सर नमस्ते। जो लोकेशन रहेगी दोस्तों, उदयपुर राजस्थान की है। और अब सूरज जी ये बताइए, ये जो मशीन देख रहे हैं हम जी, ये मिनी मशीन इलेक्ट्रिक वाली क्या रेट की है? सर ये मिनी मिक्सर इलेक्ट्रिक 2 HP की, इसमें सिंगल फेस मोटर रहेगी, हेवी ड्यूटी गियर वगैरह सारी कंप्लीट मशीन रहेगी। हाँ, ये टैक्सेबल 58,000 रुपए में रहेगी। 58,000 आप एक कैपेसिटी का इसका ड्रम रहेगा। हाँ, नॉन मेंटेनेंस मशीन है। हाँ, और इस पे इलेक्ट्रिक मोटर लगेगी, उसकी 1 साल की फुल रिप्लेसमेंट का है। 1 साल की टैक्सेबल आइटम है। हाँ, के बाद में सेकंड इससे बड़ी मशीन रहेगी ये वाली। हाँ, 39 इंच की सवा बैग सीमेंट की कैपेसिटी थी, एक बैग का माल मिलता है अच्छे से। हाँ, ये रहेगी 1,15,000 रुपए प्लस टैक्स अलग से रहेगा। 1,15,000 रुपए प्लस टैक्स अलग। हाँ, से रहेगा। हेवी ड्यूटी मशीन है। इसमें सभी आ गया ना, इंजन सभी कंप्लीट सर? कंप्लीट बिल्कुल। और ये तीसरा जो 2-in-1 मशीन है। हाँ जी, ये क्या प्राइस का है? ये सर ये अभी हमने इसको काफी इम्प्रूव करके वापस मार्केट में हम लेके आए। पहले भी हमारे 10-15 पीस चल रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा पीस इसके इनके प्रतापगढ़, अपने राजस्थान की बात करें तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इधर डूंगरपुर। हाँ, और इधर जाओ अपने तो MP में इसका काफी रिक्वायरमेंट रहता है, उड़ीसा, चेन्नई, इधर बेंगलोर, कर्नाटका, केरला, इधर इसका काफी डिमांड रहता है। और ये हेवी ड्यूटी मशीन रहेगी। हाँ, इसमें लिफ्ट के साथ में मिक्सर को अटैच कर दिया है। हाँ, और ये 50 फीट हाइट के टावर आएंगे। ये 50 फीट हाइट का आपको टावर देंगे साथ में। हाँ, और इसका रस्सा कितना देंगे सर? इसमें 200 फीट का वायर आएगा, 200 फीट का दो ट्रॉली आएगी। इसका प्राइस रहेगा 2,50,000 प्लस टैक्स। देखिए दोस्तों, तीन आइटम है, 2 ट्रॉली, 1 लिफ्ट और 1 मशीन, 2,50,000 प्लस टैक्स इनका अलग रहेगा, GST सब अलग रहेगा। भी काफी हेवी ड्यूटी नए वर्जन का इंजन लगाया है, इसमें ब्लोअर से। हाँ, इसको इंजन का कूलिंग होगा ताकि गर्मी के दिनों में इंजन हीट अप नहीं हो पाए। आप इंजन बता दीजिए इसका। देखिए आइए सर, और इस मशीन का वेट कितना रहेगा सर? सर इसका करीब 1,800-2,000 किलो वेट रहेगा मशीन का। हाँ, हेवी वाली दोस्तों, वेट इसका 1,800 किलो से 2,000 किलोमीटर, 2 टन। टावर वगैरह, टावर विंच वगैरह सारा कम्प्लीट आ गया। हाँ हाँ, तो देखिए। हाँ, अब इंजन के लिए क्या बोला थे आप? इंजन इसमें अभी हम नया वर्जन का इंजन दे दिया है। हाँ, पहले तो क्या होता था, आगे कवर के अंदर ब्लोवर लगे हुए थे। हाँ, उससे इंजन ठंडा होता था, तो हवा यहाँ से यहाँ तक आती तो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाती थी। हाँ, अब क्या कर दिया इन्होंने, डायरेक्ट लाइनर पे इसका ब्लोवर दे दिया है। हाँ, तो डायरेक्ट इस बाई वी बेल्ट से ब्लोवर चलता है। हाँ, और डायरेक्ट लाइनर पे जहाँ हवा मिलनी चाहिए वही मिलती है। अच्छा अच्छा, जो चीज कूलिंग रहनी चाहिए वही डायरेक्ट इसका एयर प्रेशर से हवा आती है, तो इंजन इतना हीटअप नहीं हो पाता है, काफी लंबा चलता है इंजन। हाँ, आप 12-15 घंटे पर डे इसका रनिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इंजन। तो सर ये बताइए, 14 HP का इंजन रहेगा। हाँ, हेवी ड्यूटी इंजन। तो सर इसमें कोई डीजल का आइडिया है, 1 घंटे में कितना डीजल? सर ये 1 घंटे में लोड पे 0.5 लीटर डीजल खाएगा, आइडल 0.5 लीटर खाएगा। अच्छा, लोड पे कितना लीटर है? 0.5 लीटर से 0.5 लीटर से 1 लीटर, और आइडल में 0.5 लीटर से 0.5 लीटर के बीच में खाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो लगभग 1 घंटे का इनका सर्विस अपन कितनी केयर कर सकते हैं उस पे डिपेंड करता है। हाँ, आप अगर हर 15 दिन में इसका फिल्टर वगैरह चेंज करो, 240 घंटे चलने के बाद में इसका ऑयल चेंज करो। हाँ, तो आपकी इंजन की लाइफ ले सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप केयर नहीं करो और फिर इंजन का कोई दोष निकालो तो उसमें वो आप जिम्मेवार रहेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं चला के भी आपको ये दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं आप ये कैसे काम करेगा। और सूरज जी, इसको अगर कोई बिजनेस करना चाहे जी जी, तो आपसे एजेंसी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है सर, हमारे जो टर्म्स कंडीशन उनको फॉलो करना होगा। हाँ, एजेंसी हम दे देंगे उसको, उसका जो मार्जिन होगा हम हमारी तरफ से मार्जिन उसको देंगे। हाँ, उसके अलावा उसको आगे से जो मार्जिन मिलेगा उसी का रहेगा। तो एक बात बताइए, अगर कोई रेंट पे ले जाना चाहे मशीन को, तो इसका पर डे का रेंट क्या होता है सर? इसका पर डे का रेंट हमारे इधर राजस्थान में उदयपुर में इसका 3,000 रुपए पर डे रेंट, पर डे 3,000 में। हाँ, सब लिफ्ट नहीं, सब कोई मंथली लेना चाहे इसको। हाँ, मंथली लेना चाहे तो करीब 1,200-1,500 रुपए पर डे पर डे। हाँ, और खाली मशीन लेना चाहे तो? खाली मशीन में समझ, खाली ये, हाँ ये
पर डे के लिए रेंट। हाँ हाँ रेंट के लिए मैंने आपको बताया था ना 1500 रुपए पर डे के लिए, तो महीने भर के लिए। महीने भर के नहीं, इसके साथ में ये नहीं आएगा ना लिफ्ट मशीन? नहीं लिफ्ट तो आएगा इसके साथ, इसमें साथ में आएगा ना। खाली मिक्सर चाहिए तो वो वाली मिलेगी। हाँ वो खाली क्या रेंट में कितना रहेगा उसका? ये सर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होता है इसका। मैं कोई मेरा रेट बता सकता हूँ। हाँ। अब मेरे यहाँ तो हो सकता है इसका पर डे का 700 रुपया रेंट है। हाँ। और उधर बांसवाड़ा जाओ तो वो तो ज्यादा लेते हैं, क्योंकि छोटी सिटी है तो मशीनें कम मिलती है, तो उनके 1000 रुपये पर डे। जहाँ बड़ी सिटी है ज्यादा मशीनें, तो रेट का उनके अपने अपने मार्केट के हिसाब से रेट है। ये चीज हम कोई गारंटी नहीं दे सकते इतना रेट आएगा। हाँ हाँ देखिए दोस्तों, अगर आप 115,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न में लगभग 1000 रुपये पर डे मिल सकता है इसमें, अगर आप ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। और अब मैं आपको इंजन चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इंजन, देखिए ये काम कैसे करेगा। सुरेश जी, आपकी जो सर्विस है वो कौन से एरिया में रहेगी सर्विस ज्यादातर? सर जहाँ माल जाएगा वहाँ सर्विस हम देने में कोई तकलीफ ही नहीं है। ऑल इंडिया में? ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जहाँ कोई तकलीफ आती नहीं है सर। हमारा कोशिश ये हमने की है 99% के आगे वाले को कोई तकलीफ नहीं हो। हाँ। हम यहाँ पूरा इसको टेस्ट करके चला के हाँ। इसका सारा स्टडी करके फिर हम माल आगे रवाना करते हैं। आज दिन तक कोई तकलीफ नहीं है, हमारा बार बार जाता, कहीं आज दिन तक किसी इंजीनियर को नहीं भेजना पड़ा पिछले 10 साल में, ऐसा कोई समस्या नहीं। अच्छा दूसरा हमने एक और सबसे बड़ी बात इसमें नया चीज जो हमने किया है, ये स्प्रिंग सस्पेंशन कर दिया इसको। हाँ। तो ये माल लेके चढ़ता है हाँ। जहां अगर रोकना है तो इसका जितना भी जंप होगा हाँ। ये स्प्रिंग इस पे सस्पेंशन कर देगा। हाँ हाँ। ठीक है ना, टावर अगर आपके 50 फीट लगे टावर पे लोड नहीं पड़ेगा, आप समझे मेरी बात? हाँ हाँ। मतलब जहाँ रोकेंगे तो टावर पे लचक नहीं आएगी। हुँ। ये स्प्रिंग सस्पेंशन कर दिया, स्प्रिंग पे सारा लोड आ जाएगा। हाँ हाँ। ये सबसे बड़ा भी नया इसमें। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन फोन नंबर और भी दे दूंगा। धन्यवाद।